दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इस पेपर पर प्रिंट किए हुए छोटे से एरोप्लेन की इमेज का यूज़ करके इतना बड़ा एरोप्लेन बनाया है। सो गाइज, ये है F-22 RC प्लेन, जिसकी टोटल लेंथ है 54.5 इंचेस और विंग स्पैन है 39.3 इंचेस का। और ये रहा फुटेज उसके फर्स्ट मेडन फ्लाइट का, जो सक्सेसफुल था। दोस्तों, ये एक कम्प्लीटली होममेड प्लेन है। इसमें मैंने कौन से मटेरियल का यूज़ किया है और कैसे मैंने इस प्लेन के इमेज का यूज़ करके, इसके जो टॉप व्यू, बॉटम व्यू और साइड व्यू, फ्रंट व्यू का यूज़ करके कैसे एक इतना बड़ा मॉडल प्लेन बनाया है, इसका जो प्लान है वो प्लान अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली हैंडमेड। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कम्प्लीटली हैंडमेड प्लेन होता है विदाउट यूजिंग एनी प्लान्स, जब वो हवा में उड़ता है, जब उसका मेडन सक्सेसफुल होता है, सो गाइज, उससे ज़्यादा खुशी की बात आपको कभी महसूस नहीं होगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो पूरा देखो, जिससे आपको टिप्स मिल जाए कि कैसे आपके ड्रीम प्लेन को बना सकते हो इस सिर्फ A4 साइज़ के पेपर पर, उसका एक सारे व्यूज़ प्रिंट करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बिल्डिंग मटेरियल का। तो इस प्लेन को बनाने के लिए मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो है 5mm डेप्रॉन शीट का। ये जो शीट है वो है 1000mm x 650mm x 5mm। इसका जो परचेस लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, मैंने कुछ ग्लू स्टिक्स का यूज़ किया है टू स्टिक एवरीथिंग, एरर लाइट का यूज़ किया था, उसके बाद में कार्बन फाइबर रॉड, 5mm की जो कार्बन फाइबर रॉड है, हॉलो ट्यूब्स, उनका यूज़ किया है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद में टेप्स का यूज़ किया है, पैकेजिंग टेप्स का यूज़ किया है, ट्रांसपेरेंट वाले स्प्रे का यूज़ किया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ट्विन 2200 kV BLDC मोटर यूज़ की है विथ 6042 ट्राई ब्लेड प्रोपेलर्स, और दोनों जो प्रोपेलर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, जिससे जो टॉर्क इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाता है। सो ये एक पुशर कॉन्फ़िगरेशन प्लेन मैंने बनाया है। और इसमें जो बैटरी मैं यूज़ की है वो है 2200 की 3-cell बैटरी लाइपो, और रिसीवर यूज़ किया है। और ये जो प्लेन कम्प्लीटली बना है वो 6-channel का है, जिसमें एलेरॉन्स एलिवेटर्स है और मोटर्स है फॉर थ्रॉटल, फॉर थ्रस्ट सॉरी। एंड इसमें जो 6th channel है वो मैंने रखा है कार्गो के लिए। इसमें छोटा सा एक कार्गो डोर भी मैंने बनाया हुआ है टू ड्रॉप समथिंग, जैसे कोई फ्लावर्स हो गया या स्पेशल ओकेजन्स में कुछ ड्रॉप करने के लिए मैंने इसमें कार्गो का जो कंपार्टमेंट है वो भी डिज़ाइन किया है, जिसमें 2 servos लगाई हैं टू ओपन द डोर। उसके बाद दोस्तों, इसका जो नोज़ है वो थर्माकोल से मैंने बनाया है। थर्माकोल की जो शीट्स थी लगभग 1 inches थिक, उन्हें एक के ऊपर एक रख कर मैंने चिपकाया था फेविकॉल से, और एक ऐसा माउंटेन टाइप बनाया था जिसको फिर मैंने सैंड पेपर से सैंड करके एक नोज कोन का शेप दे दिया था। उसके बाद में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट दोस्तों इसका था कैनोपी बनाना, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड कैनोपी थी, जिसके अंदर मुझे बैटरी, उसके बाद में ESCs, रिसीवर्स, इन सब के लिए जगह चाहिए थी। तो सबसे पहले मैंने जो प्लेन बनाया था उसमें मैंने 3 wheels भी लगाए थे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अगर प्लेन टेक ऑफ करेगा तो उसका जो पुशर कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है जहाँ पर ट्राई ब्लेड प्रोपेलर्स है, सो टेक ऑफ करते वक्त ग्राउंड क्लियरेंस उतना नहीं मिलने की वजह से जो प्रोपेलर्स है वो ग्राउंड को स्ट्राइक होंगे, तो इसके लिए मैंने व्हील्स निकाल दिए। इसे एक बेली लैंडर प्लेन बनाया है। अब बात करते हैं कि कैसे मैंने इस पेपर का यूज़ करके इतने बड़े प्लेन को बनाया है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस प्लेन को कितने बड़े साइज़ में बनाना है वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल, इसका अगर विंग स्पैन कैलकुलेट करें तो लगभग कितने तो भी सेंटीमीटर होगा, और आपके ओरिजिनल प्लेन का विंग स्पैन आपको कितना चाहिए वो कैलकुलेट करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर इसका विंग स्पैन है 10 सेंटीमीटर्स का, और अगर आपको एक विंग स्पैन बनाना है 100 सेंटीमीटर्स का, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, सो जो 10 है दैट विल बी मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर ईच एंड एवरी मेजरमेंट दैट यू टेक। अगर यहाँ का अगर आपको मेजरमेंट लेना है और ये अगर 5 है, तो एक कॉमन फैक्टर आपने निकाला है 10, तो 5 × 10 दैट विल बी 50, तो ये जो लेंथ होगी दैट विल बी 50 ऑन द लार्जर स्केल। तो ऐसे एक कॉमन फैक्टर का यूज़ करके, मैंने एग्जांपल के लिए 10 बताया है, मेरा जो था वो था 8.5,
लगभग 8.5 के आसपास था। सो हर एक मेजरमेंट को मैंने 8.5 से मल्टीप्लाई करके उसे बिग स्केल मॉडल में बनाया है। इसे बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था और मेरा माइंड पूरा फोकस चाहिए था उस चीज़ में, तो मैंने मेजरमेंट्स इतने ज़्यादा नोट डाउन नहीं किए, लेकिन जो भी मेन मेजरमेंट्स है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो ये मेजरमेंट्स मैंने कुछ निकाल कर रखे हैं, आई थॉट कि आपको काम में आएंगे। तो अगर आप इसे इतने ही साइज़ का बनाना चाहते हो तो इन मेजरमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने इसमें KF एयरफॉइल यूज़ की है, KF4, जहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों साइड में एक मैंने जो फ्लाइंग विंग होता है उसे कट करके एक 5mm डेप्रॉन शीट के ऊपर और नीचे लगा दिया था, जिससे ऊपर भी एक गैप रहता है, नीचे भी एक गैप रहता है, एंड दैट बिकम्स KF4 एयरफॉइल। आप KF2 एयरफॉइल का भी यूज़ कर सकते हो। वेल, KF4 एयरफॉइल इज़ पॉपुलर फॉर स्पीड एंड स्टेबिलिटी, दैट्स वाई मैंने इस प्लेन में KF4 एयरफॉइल यूज़ की है। एंड यू कैन सी दैट द प्लेन इज़ वेरी स्टेबल एट लोअर स्पीड ऑल्सो, और इसका जो ग्लाइड है दैट ग्लाइड इज़ ऑल्सो अमेजिंग। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ एलिवेटर से कैसे मैंने डिज़ाइनिंग किया है। इस विल बी अ ब्रीफ यू नो वीडियो, बनाते समय इतना सोच समझ के नहीं बनाया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, बट द प्लेन ओवरऑल इज सक्सेसफुल, दैट्स वाई मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हो कि ये एक थोड़ा शाइनिंग मटेरियल दिख रहा है, सो इट इज़ नथिंग बट एन एल्यूमिनियम टेप। एल्यूमिनियम टेप का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये आपके प्लेन को एक प्रोफेशनल ऐसा मेटालिक लुक देती है। सो वर्टिकल स्टेबिलाइजर्स होने के बाद मैंने एलिवेटर्स के लिए अप्रोच किया, तो ये एलिवेटर्स के कुछ मार्किंग्स थे, और सिमिलरली इन स्टेबिलाइजर को मैंने ऐसे रखा था फोम बोर्ड के ऊपर। ये जो बीच का जो मार्किंग दिख रहा है वो दोस्तों मेन फ्यूजलाज मार्किंग है, उसके बाद में ये विंग का शेप है, KF एयरफॉइल के लिए जो विंग शेप मैंने बनाया था वो है। सेकेंडली दोस्तों, ये जो मेन फ्यूजलाज है उसके सेंटर में आप देख रहे होंगे एक कार्बन फाइबर का रॉड मैंने लगाया है 5mm वाला और लंबा, और साइड में उसके दो मैंने मार्किंग्स करके रखे हैं, तो साइड में भी मैंने कार्बन फाइबर के रॉड्स लगाए थे। उसके बाद जो विंग है, विंग और मेन बॉडी सेंटर पार्ट को मैंने कार्बन फाइबर रॉड से जोड़ दिया था फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। आप एक कंप्लीट कार्बन फाइबर स्पार भी डाल सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद विंग लगने के बाद कुछ ऐसा इसका शेप दिख रहा था, एलिवेटर्स एंड मेन विंग्स, बीच की बॉडी। सो एलिवेटर्स में जो आप देख रहे हो मैकेनिज्म वो क्या है वो अभी देखते हैं। ये दोस्तों एलिवेटर था, तो मैंने इसका सेंटर बराबर मार्क करके इसमें ये किया है, एक गैप बनाया है फॉर कार्बन फाइबर रॉड। एक कार्बन फाइबर रॉड है जिसके ऊपर मैंने कंट्रोल हॉर्न को लगाया है, सर्वो का जो कंट्रोल हॉर्न होता है उसे एराल्ड लाइट से चिपका दिया है। दिस इज़ कार्बन फाइबर ट्यूब, हॉलो ट्यूब 5mm वाली, तो इसे सिंपली मैं इसके अंदर ऐसा स्लाइड करके लगाने वाला था और एराल्ड लाइट से चिपकाने वाला था। सो जो कंप्लीट असेंबली है वो कुछ इस टाइप से दिखने वाली थी, और एक पेन का यूज़ किया है, जो कार्बन फाइबर रॉड उस पेन के अंदर इजीली स्लाइड आउट हो जाता है, स्लाइड इन हो जाता है, एंड ज़रा भी उसमें प्ले नहीं है, स्मूथ मूवमेंट्स है, एंड दिस विल बी यूज्ड एज एन एलिवेटर। सो ये मुझे एक बढ़िया सी आइडिया मिल गई थी। सो फाइनली ये सब चिपका लेने के बाद दोनों एलिवेटर्स कुछ इस प्रकार से दिख रहे थे। तो एलिवेटर की बॉटम साइड मैंने टेप से कवर किया है, एंड टॉप साइड जो थी वो मैंने एल्यूमिनियम टेप से कवर की थी। सो इट वाज लुकिंग लाइक दिस द फाइनल एलिवेटर सेटिंग। जो मेन पेन है वो पेन जो मैंने आपको दिखाया था उसे मैंने लगाया था इसके ऊपर, जो मेन बॉडी है उसके ऊपर लगाया था। सो जो एलिवेटर्स है वो सिर्फ स्लाइड आउट करने थे मुझे, उस पेन के अंदर स्लाइड इन करने थे, और पेन को मैंने एरर लाइट से चिपकाया था मेन बॉडी के ऊपर। ये कार कैनोपी कुछ ऐसे इस टाइप से दिख रही है, कैनोपी मेकिंग वाज आल्सो अ चैलेंजिंग पार्ट, और इसका कोई मेजरमेंट मैंने लेकर नहीं रखा था दोस्तों, क्योंकि जो कैनोपी थी वो मैंने जो फाइनल मेजर किए हुए पार्ट्स उसके ऊपर चिपकाए थे उनका मेजरमेंट ले के कैनोपी डिज़ाइन की थी। सो देयर वाजंट एनी फिक्स्ड मेजरमेंट, और जो फाइनल प्लेन था कुछ इस टाइप से दिख रहा था दोस्तों। तो प्लेन का वेट विदाउट एनी मोटर ESC मतलब विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लेन का जो वेट है वो है 719 grams ओनली। सो इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने के बाद प्लेन का जो कंप्लीट वेट था दैट वाज अराउंड 1 kg, और जो थ्रस्ट थी दोनों 2200 kV BLDC मोटर्स विद 6042 ट्राइब्लेड प्रोपेलर्स। सो ईच मोटर वॉज एबल टू प्रोड्यूस अ थ्रस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 850 to 900 grams। जो टोटल थ्रस्ट था
वो था 1800 ग्राम का। अगर मैं एवरेज बताऊं तो 1600 टू 1700 ग्राम्स, 1600 पकड़ लेते हैं, और जो प्लेन का वेट था वो करीब करीब 1100 ग्राम्स हो चुका था। सो द थ्रस्ट टू वेट रेशियो वॉज मोर, दैट इज़ वाई इट वॉज एबल टू टेक ऑफ वेरी इजीली, और वर्टिकल टेक ऑफ भी इजीली कर रहा था प्लेन, एंड द ग्लाइड ऑफ द प्लेन वॉज फेनोमिनल। फ्यूजलाज के नीचे का जो पार्ट है दोस्तों वो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन किया था एट एन एंगल। जितने भी एंगल्स हैं वो रियल प्लेन से इंस्पायर होकर लिए हैं, जितने भी मोल्डिंग किए हैं वो सब इंस्पायर्ड बाय द रियल प्लेन। और स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने छोटे छोटे ट्राइंगल्स का यूज़ किया था। टोटल सर्वोज यूज्ड इन दिस प्लेन इज़ 4, जिसमें से लेफ्ट साइड की दो आपस में कनेक्टेड है, राइट साइड की दो आपस में कनेक्टेड है। सो ये जो प्लेन लेफ्ट राइट टर्न होगा तो उसका एलेरॉन और एलिवेटर एक साथ मूव होंगे, लेफ्ट के और राइट के, सिमिलरली अप एंड डाउन इन द सेम कॉन्फिग्रेशन। और दो सर्वोज यूज़ की है विच आर अगेन अटैच्ड विद ईच अदर फॉर द कार्गो हैच। सो आई होप गाइस कि आपको एक मोटिवेशन मिल गया होगा ऐसे बड़े प्लेन्स को डिज़ाइन करने का जस्ट बाय यूजिंग सम इमेजरीज। और वेल ये वाला रियल पेपर नहीं था जिसका यूज़ किया था मैंने, आपको मैं रियल पेपर दिखाता हूँ। या दिस वॉज द रियल यू नो इमेजेस दैट आई यूज़। तो इस पर आपको बहुत सारी मार्किंग्स दिख रही होंगी, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे, तो इसका यूज़ करके मैंने डिज़ाइन किया था। ऐसी कूल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना लेकिन आप, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।